August. Please come on the stage. I would like to invite Arayya H to felicitate these two wonderful children. परीक्षा पास की है और अभी वो सिर्फ 11 साल का है और वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहा है. तो आप सब लोग आपको स्ट्रेंज फील हो रहा होगा कि ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमें देखते हैं तो बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, ब्लेस्ड चाइल्ड है, आपके पुनर्जन्म में कुछ ऐसा था इसलिए आप ऐसे हो. ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं अगर पेरेंट्स उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें मिलती है. तो सब बच्चे भी मेरे जैसा और मेरे भाई अगस्त्य जैसा बन सकते हैं और बन सकते हैं. तो मैं कहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी के मायने बदल देते हैं. और आज हम सब बहुत खुशनसीब है कि हमारे बीच सब खुशनुमा हंसी बैठे हैं. तो उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें. आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है. तो ऐसे ही विचारधारा से इस रोटरी क्लब को शुरुआत करने का निर्णायक निर्णय लिया था पॉल हैरिस ने, जिसका फलस्वरूप आज आप पूरे विश्व में देख सकते हैं कि कितने अच्छे महान कार्य रोटरी इंटरनेशनल क्लब कर रही है. तो इसका श्रेय उसके सभी सदस्यों को जाता है. तो मैं उन सभी को बधाई देती हूँ. अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द रोटेरियंस. एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. हाँ, तो मैं कहती हूँ कि खुशी और गम दिन रात जैसे होते हैं, इनके बिना जिंदगी अधूरी है. हमें हर हालात में कामयाबी की बुलंदी छूना है, क्योंकि खोकर पाने का मजा और है, रोकर मुस्कुराने का मजा और है. हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है. तो छोटी सी उम्र में बुलंदियों को छूने का सपना हैदराबाद शहर से शुरू हुआ और उन सपनों को पूरा करने का जुनून हैदराबाद की गलियों से गुजरा. और मेरे साथ मेरे माता पिता बुलंद आवाज में कहते गए, नैना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि तस्वीर की तकदीर बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं और नैना जायसवाल के इतिहास में रोशनी डालने वाले को ही अश्विनी कुमार जायसवाल कहते हैं. तो आज ये रोटरी क्लब इंटरनेशनल जो हमारा सप्तगिरी कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो ये रोटरी क्लब यहाँ के लोग और उनका मेल मिलाप, इस पे बोलूँ तो मैं सूरज को चिराग बताऊँ जैसे लगेगा. तो हर वो मेरा सुनहरा दिन अगर मैं याद करूंगी तो मुझे लगेगा कि जब बारिश की बूंदों को धरती ने चूमा, हमने जमीन पर सितारों को बिखरते देखा. जितने सितारे सावन ने बरसाए, उतने ही बार रोटरी क्लब और उनके सदस्य याद आए. और आज यहाँ का माहौल देख के, यहाँ के परफॉर्मेंसेस सब देख के मुझे लग रहा है कि हर रात को चांद का सिंगार नहीं मिलता, हर बाप को फूलों का दीदार नहीं मिलता. हमने भी इस दुनिया में कई क्लब देखे पर हर क्लब रोटरी इंटरनेशनल क्लब जैसा नहीं होता. तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती और अनजान को पनाह भी नहीं देती, लेकिन हमारे वेंकटेश चन्ना अंकल जी ने तो इस रोटरी क्लब में कई लोगों को पनाह तो दी है और साथ ही साथ पहचान भी दी है. तो वो आज हमारे बीच है, हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है. और मैं कहती हूँ कि जो इंसान समाज सेवा के सामने अपना सर झुकाता है, उसे जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता. इसीलिए आप सब जैसे कि कर रहे हो वैसे ही समाज सेवा करने के पाबंद रहो, क्योंकि मानव कहावत है कि मानव सेवा ही मानव सेवा है. तो मेरे पिता कहते हैं कि खरीद सकते उन्हें तो अपनी जिंदगी बेच कर भी खरीद देंगे, पर अफसोस है कि कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं. तो ऐसे लोगों में से ही हम
हमारे विष्णु मौर्य अंकल जी जो आज यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, तो उनका कहना है कि छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। और मैं यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन जो ये यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है उनसे मैं कहती हूँ कि मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। ये इरादे को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि लोग तो मरने के बाद जन्नत को देखते हैं पर हम तो बचपन से ही वहीं रहते हैं। हमें कोई और जन्नत का पता नहीं, क्योंकि हम तो माँ के कदमों को ही जन्नत मानते हैं। और मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि निरंतर कृषि, दृढ़ संकल्प, मार्गदर्शन, धैर्य से ही आप विश्व के विख्यात बन सकते हैं। कि इसका फलस्वरूप कि मैंने सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, और मैं कहती हूँ कि हम हिंदुस्तानियों से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि छोटी सी उम्र में मैंने बड़े बड़े काम आसानी से किए हैं। तो इसका मूल कारण मेरे माता और पिता है, क्योंकि वो बचपन से मुझे बताते थे कि नारी अबला नहीं आदिशक्ति है, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि तुम अपने आप को एक लड़की नहीं हमारी जिंदगी समझो बेटा, तुम हमारा गौरव हो और हम मानते हैं कि तुम हमारे परिवार और समाज का गौरव हो। तो वो मुझे ऐसे बार बार कहते थे, जिसका फलस्वरूप मैं आज आपके सामने एक अतिथि के तौर पर आई हूँ। और मेरे माता पिता का प्रोत्साहन ही मुझे ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जल कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं पर हजार बार प्रोत्साहन देने वाले माता पिता कभी नहीं मिलते। और परिश्रम, अनुशासन, आदर्श और मर्यादा, उच्च मानव मूल्यों के बिना जिंदगी महान नहीं बन सकती। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते। और ये असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे पूरा करो। जब तक ना सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, ताली मारने से ना आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। क्योंकि जब हम क्लैप्स करते हैं तो बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से फ्लो होता है, तो इसमें आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसलिए इस बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसके साथ मतलब जिसके पास जोश के साथ होश भी है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, वही इस रोटरी क्लब का सदस्य है। तो मैं आप जितने भी रोटेरियंस यहाँ पे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कमजोरी को दूर करना सीखो, क्योंकि कमजोर तो वो होते हैं जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। और मैं आप सबसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुसीबतें तो सब पर आती हैं, लेकिन यही मुसीबतें कईयों को बिखेर देती है तो कईयों को निखार देती है। इसलिए मुसीबतों से कभी नहीं डरना, मुसीबतों से कहना कि हमारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। तो आज यहाँ पे आप सबको देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे आसमान में सितारे जगमगाते हैं, उसी तरह तारों की रोशनी आज यहाँ पर जगमगा रही है। तो पारा है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है।
अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। जब इस इरादे से मैंने सर जमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, मैं कहती हूँ कसम भारत माता के ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। क्योंकि ना दौलत पे नाश करते हैं ना शोहरत पे नाश करते हैं, भगवान ने सर जमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, इसीलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाश करते हैं। और समस्याओं के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। इसीलिए खिलाड़ी हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या कलाकार, कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, तारीफ उसके हुनर से होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कद्र उसकी सिर्फ हिंदुस्तानी होने पर होती है। इसीलिए हर देशवासी को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। तो मान लो कि देश एक मंदिर है, तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम भी होने चाहिए, अच्छे संस्कार की देशभक्ति होनी चाहिए, एक दूसरे में स्नेह की भावना होनी चाहिए, देश दिल में देश के लिए भावना होनी चाहिए, तभी आप अपने जिंदगी के मायनों को समझ सकते हैं। तो मैं ये भी गुजारिश करती हूँ कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। और मैं कहती हूँ जितने भी यहाँ पे यूथ बैठा हुआ है, जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। और क्योंकि जो पुत्र बेटा या बेटी अपने माँ को मतलब अपना गौरव समझता है और पिता को अपना अस्तित्व समझता है, वो वंदनीय है। क्योंकि माँ जिंदगी भर का भोजन बनाती है, तो पिता जिंदगी भर का भोजन इकट्ठा करता है। इसीलिए कभी माता पिता को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पत्थरों को जमा करते करते हीरो को गवा दिया हो। दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, जुल्म बढ़ जाता है तब हर चेहरे का नकाब बदलेगा। मत हौसला हार हिंद के सिपाही, जिस दिन तेरा सोया हुआ इंसान जागेगा, उस दिन हिंदुस्तान का क्या पूरा जहां बदलेगा। और हम सब इस देश के वारिस हैं और पारस बनकर रहेंगे। यहाँ की संस्कृति और संस्कार हमारा दौलत है, यहाँ की आन और शान हमारी जिंदगी है, यहाँ का प्रेम और पूजा हमारा प्रेरक है। तो ऐसे देश में पैदा होना मेरी तकदीर है। और मैं ये भी कहती हूँ कि हमें बड़े लक्ष्य सोचना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का हर एक पल बहुत मूल्यवान है और ताकत के साथ मेहनत करना सीखना जरूरी है। और आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी मुसीबत का सामना हो तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत चार दिन का होता है और एहसान जिंदगी भर का। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, और आप सब जीत के अधिकारी हैं। और कभी भी सावधान होना जरूरी है, क्योंकि दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना दूसरों को क्या पता आपको तकलीफ किस बात से है। और जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, परंतु हमें जिन्होंने बनाया माता और पिता की हम पूजा नहीं करते, ये बहुत आश्चर्य है। और असफलता का एक ही रहस्य है, कर्म, क्योंकि राशियों में कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म में है। क्योंकि कृष्ण, कंस, गांधी, गॉड से, ओबामा, ओसामा, सब एक ही राशि के हैं, परंतु कर्म अलग अलग है। तो मैं कहती हूँ कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर खुशनसीब वो होता है जो परिवार कमा लेता है। तो माता की।